नैन सिंह रावत 1830 से 1895 19वीं शताब्दी के उन पंडितों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्रों की खोजबीन की। नैन सिंह कुमायूं घाटी के रहने वाले थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया। उन्होंने ही सबसे पहले ल्हासा की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात की और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी त्सांगपो के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण भी किया। पंडित नैन सिंह रावत का जन्म पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील स्थित मिलम गांव में 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था। उनके पिता अमर सिंह को लोग लाटा बूढ़ा के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जल्द ही पिता के साथ भारत और तिब्बत के बीच चलने वाले पारंपरिक व्यापार से जुड़ गए। इससे उन्हें अपने पिता के साथ तिब्बत के कई स्थानों पर जाने और उन्हें समझने का मौका मिला। उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी जिससे आगे उन्हें काफी मदद मिली। हिंदी और तिब्बती के अलावा उन्हें फारसी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। इस महान अन्वेषक, सर्वेक्षक और मानचित्रकार ने अपनी यात्राओं की डायरियां भी तैयार की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय खोज और मानचित्र तैयार करने में बिताया। 1855 में जर्मन भूगोलविदों द्वारा श्लेगनित्विट भाइयों की भर्ती में नैन सिंह रावत को भर्ती किया गया था। भूगोल के साथ उनकी पहली अन्वेषण की यात्रा 1855 और 1857 के बीच थी। इस समय के दौरान नैन सिंह रावत ने मानसरोवर झील, राकस ताल और आगे लद्दाख और गारटोक की यात्रा की। 1863 में नैन सिंह रावत अपने भाई मणि सिंह रावत के साथ देहरादून में एक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए, जो दो साल तक चले गए। ग्रेट ट्राइगोमेट्रिक सर्वेक्षण कार्यालय नैन सिंह रावत और उनके भाई ने वैज्ञानिक उपकरणों के इस्तेमाल और मापने और रिकॉर्डिंग के तरीके पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1865 में नैन सिंह रावत ने काठमांडू से ल्हासा तक लगभग 2000 किलोमीटर और फिर मानसरोवर झील तक और आखिर में भारत लौटकर यात्रा की। नैन सिंह रावत की आखिरी और महान यात्रा कश्मीर के लेह से तिब्बत में ल्हासा के माध्यम से आ रही थी। नैवान सिंह रावत का दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। 1895 में ब्रिटिश द्वारा उन्हें दी गई एक गांव जगत का दौरा किया। उन्हें शाही भौगोलिक सोसाइटी के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।